मेरे शेख दुआ फरमाएं, हमारे कर्नाटक में हिजाब का मसला बढ़ता जा रहा है, अल्लाह ताला मुसलमानों के हक में कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। और मुसलमानों को भी चाहिए कि अल्लाह के दीन की कदर करें। अल्लाह के दीन की कदर जब अक्सरियत करेगी तो कोई उनको उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अब हिजाब को अक्सरियत ने छोड़ दिया है, अक्सरियत के छोड़ देने को अल्लाह ताला सबके छोड़ देने में लगे, लिल अक्सर हुक्म कुल, अक्सरियत बागी हो गई है हिजाब की, तो अल्लाह ने हमें बंदों के हवाले कर दिया है। कम से कम अक्सरियत तो वाबस्ता रहे इससे। तो अपनी बहनों को बेटियों को मेहनत करो और समझाओ और सिखाओ कि देखो बेटा, तुम्हारी गफलतों की वजह से आज अल्लाह के नबी के दीन पर आंच आ रही है और उसको कोर्टों में जाना पड़ रहा है, इंसाफ तलब करना पड़ रहा है, इजाजत मांगनी पड़ रही है कि क्या हम अल्लाह के दीन पे चल सकते हैं, इसकी इजाजत मांगनी पड़ रही है। ऐसा वक्त क्यों आया? अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया ऐसे लोगों को जो अल्लाह से डरते नहीं हैं और हम पर जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है। इस वजह से दुआ तो कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे आलम में हो रही है और अभी करेंगे और करेंगे, करते रहेंगे, आप लोग भी करें। और उसके साथ साथ असल तरीका यह है, सारे मुसलमान फिक्रमंद होकर कम से कम अपने घर आने को हिजाब का पाबंद बना ले, यह इलाज है। जब हम सब मिलकर करेंगे तो कौन रोक सकता है? अभी वो लोग यही कहते हैं, हालांकि उनको मालूम होगा तब भी कहते हैं, जजों को मालूम होगा कि इस्लाम में, अभी तो जज ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि इस्लाम में क्या वाकई इतना जरूरी है, इस पे गौर करना है हमको, गौर करके बात करेंगे। जाहिर है कि वो इस्लाम को किससे समझेंगे, या तो अपनी अकल से समझेंगे या खुद ही कुरान हदीस पढ़ेंगे और कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है, तो वो खुद ही कह देंगे। तो उनको समझना है तो वो किससे समझे? वो उलमा से समझेंगे तो उलमा उनको समझा सकेंगे कि भाई हाँ, कुरान कहता है, हम हमारे लिए जरूरी है। ये और बात है कि हमारी कौम नहीं कर रही होगी अमल, लेकिन करना जरूरी है, जो कर रहा है वो तो अपने मजहब का। तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने बुनियादी हक है या नहीं है, बात की बात है, पहले यह देखना है कि वो मजहब भी है या नहीं। देखते अब कितनी साजिश की बातें करते हैं हमारे जजेस, ये खुद शरारत है। वो ये कह रहे हैं कि उनका हक है या नहीं है ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखना है कि ये उनका मजहब है या नहीं है, ये देखना है। और क्या इतने अंधे हैं कि नहीं मालूम कि इस्लाम में पर्दा का हुक्म है? सब मालूम है, सब पता है, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, जज मामूली आदमी बनता है क्या? किसी रस्ते में से पकड़ के ले जाके किसी गड़े खोदने वाले को जज बनाया जाता है? पढ़ लिख के काबिल है, कवानीन से वाकिफ है, इस्लामिक लॉ से भी वाकिफ होते हैं। अंग्रेजों ने जो मोहम्मद लॉ बनाया था उसको भी ये लोग जानते हैं, सब जानते हैं, पर्सनल लॉ के बारे में जानते हैं। जज ऐसे नहीं बन जाता इंसान, लेकिन बातें देखो कैसी घुमा फिरा के करते हैं, जिससे उनकी नियतों का अंदाजा होता है, उनके ख्यालात का अंदाजा होता है। अल्लाह खैर फरमाए, दुआ जरूर करो, मगर ये भी करो, जब तक मुसलमान अपने दीन की कदर नहीं करेगा अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी। जब मेरी बहू बेटियां बेपर्दा फिरती हैं तो हम अल्लाह से क्या मदद मांगेंगे, क्या अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे? हर आदमी को असल फिक्र करनी चाहिए, करने का काम यह है।